ये है जी आलू, ये इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट है, इसको हमने कर लिया कद्दूकश ऐसे, थोड़ा सा मैं करके लेकर आई थी, इसका जूस निकलना शुरू हो गया, थोड़ी देर इसको रख देंगे ना पानी निकल आएगा इसका, लेकिन इसको काला नहीं करना हमने। अच्छा, और फिर हमने यूज़ करना है क्या भला, या तो आप टमाटर का जूस यूज़ कर लें या फिर इसको आप स्क्वीज़ करके इसका जूस निकाल लें। अच्छा, टमाटर के ऊपर या लेमन के ऊपर आप हनी, नॉट हनी, चीनी डाल के ना, ये मोटी वाली चीनी डाल के आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। अगर आपके हाथों के नकल्स की जो जॉइंट होता है ये काले काले हो गए हैं ना, तो आप इस तरह इसके ऊपर ऐसे करके चीनी लगाई, स्क्रबिंग, ये देखें ऐसे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन उसके बाद उसको फेंक देना है, तो इससे आप बड़े अच्छे हाथों के जो नकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाएंगे। कमिंग बैक टू ब्लीच, अच्छा ये हमने कर लिए हैं जी आलू कद्दूकश, थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, उसके अंदर पानी निकल आएगा। अगर पानी निकलने में टाइम है और आपको जल्दी करना है, जल्दी काम से शैतान का काम होता है, करना नहीं चाहिए, तो हम डाल देंगे इसके अंदर कोई सा ऑयल या हल्का सा अड़के गुलाब, और साथ हम स्क्वीज़ कर देंगे, कहाँ गए वही वाला टमाटर, ये टोमेटो जूस, ये जनाब ये हमने स्क्वीज कर लिया, ये एक पेस्ट सा बन जाएगा हमारे पास। या तो अगर थोड़ा सा हार्ड है टमाटर तो फिर आप कद्दूकश कर लें, अदरवाइज इसका आप जो है वो जूस निकाल लें। ले जी ये तैयार हो गया हमारा एक इंस्टेंट ब्लीच, ये है जी आलू की हमने कद्दूकश और इसमें हमने डाला है टमाटर का जूस, देखने में ये बहुत लजीज लग रहा है, लेकिन इसको हमने खाना नहीं है, इसको हमने लगाना है फेस के ऊपर। क्लिनजिंग करने के बाद, जो भी आप क्लिनजिंग कर रही हैं किसी भी अच्छी क्रीम से, या आपने क्रीम जो आप बलाई होती है चेहरे पर लगा के उसको आप साफ़ कर लें स्किन को, और उसके बाद ये आप, अब मैं इस हाथ पर लगाऊंगी थोड़ा, ये इस पर भी तो फ़र्क पड़े ना, ऐसे करके एक लेयर सी बना दें, ठीक है। ये आपके चेहरे पे 20-25 मिनट लगेंगे इसको, बिकॉज इसमें इतना पानी है, इसमें इतना जूस है आलू का भी और टमाटर का भी, कि इसमें टाइम लगेगा। ये आप चेहरे पे लगा के, देखने में थोड़ा सा अजीब वियर्ड सा लग रहा है, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद जब लगे कि ड्राई होना शुरू हो गया तो फिर आप इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे मसाज करें। चेहरे पे लगाएं तो गर्दन पे लाजमी लगाएं, ताकि एक ही टोन रहे पूरे चेहरे की, ठीक है। चेहरे पे फ्रेशनेस लाने के लिए, ग्लो लाने के लिए ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। लेकिन ये तमाम हर्बल और जो सब्जियां या हर्ब्स मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, एकदम से ये कभी भी इफ़ेक्ट नहीं देगा, थोड़ा टाइम लगता है। मिनिमम देखिए, अगर पिगमेंटेशन है आपको चेहरे पे, छाइयाँ हैं, तो पहले तो उसका रूट कॉज पता चलना चाहिए, और उसके बाद फिर उसका इलाज शुरू करेंगे तो कहीं नहीं गए, कम से कम 3 मंथ्स तो कहीं नहीं गए। लेकिन जैसे आलू है या टमाटर है, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है कि आपके चेहरे पे ग्लो लाने के लिए इंस्टेंटली होगा ये एक, मतलब 4-5 घंटे के लिए ही, लेकिन ये बेहतरीन होता है, बिकॉज यानी इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और कोई आपकी स्किन को ये डैमेज नहीं करेगा, कोई रैश नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये आप करके अपनी स्किन पे ग्लो ला सकते हैं, और फिर दें आप मुझे दुआएं।